Dear students, let's read and understand the remaining part of the chapter number 3, The Silver Arrow. Kindly bring your book and open page number 26. Let's read the chapter now. Soon there were only two archers left. One were red and the other were blue. They were both very good. The spectators grew more excited. Some shouted, "Bravo, Blue Jacket," while other exclaimed, "Go, Red Jacket." Competition round by round चल रहा था, तो end में two archers ही रह जाते हैं. एक ने red jacket पहना होता है और second one ने blue. दोनों ही बहुत ही अच्छे archers थे. Spectators means जो वहाँ पर आए हुए लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा excited हो गए, और excited हो गए. तो कुछ तो shout करने लगे blue jacket के लिए और कुछ red jacket के लिए. Finally, the man in the red jacket won the contest. The people cheered loudly as he went to receive his prize from the sheriff. Finally, match जब finish हुआ तो end में जो man जीता उसने red jacket wear किया हुआ था. सभी लोग बहुत खुश हुए, shout करने लगे loudly, क्योंकि अब उस man को उसका prize मिलने वाला था sheriff से. But the sheriff was angry because his plan had failed. बट शेरिफ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बिकॉज उसने अपना ये प्लान तो उन्हें कैप्चर करने के लिए बनाया था, लेकिन अब उसका वो प्लान फेल हो गया. यू आर लकी दैट रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन वर टू अफ्रेड टू कम हेयर. यू हैव वॉन ओनली बिकॉज दोज कावर्ड्स आर नॉट हेयर, ही मॉक्ड. अब जो शेरिफ है, जिसे अब वो प्राइज उस पर्सन को देना था जो मैच को जीता, तो जब वो वहाँ उसके पास पहुँचा तो उसने क्या किया, उसका मजाक बनाते हुए बोला कि भाई तुम लकी हो, क्योंकि रॉबिन हुड और उसके ग्रुप यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ आने से डर गए हैं, अगर तुम जीत सके हो क्योंकि वो लोग यहाँ पर नहीं हैं. द मैन इन द रेड जैकेट एक्सेप्टेड द सिल्वर एरो हम्बली फ्रॉम द शेरिफ. तो जो पर्सन जिसने रेड जैकेट पहना हुआ था, जिसने ये मैच को जीता था, उसने वो सिल्वर एरो एज अ प्राइज शेरिफ से लिया. देन टर्निंग टू द शेरिफ्स गार्ड्स ही सेड, सिंस द शेरिफ सेज देयर इज समवन बेटर देन मी, आई विल शूट दिस एरो एज फार एज इट कैन गो, द फाइंडर मे कीप इट. अपना प्राइज लेने के बाद वो रेड जैकेट वाला पर्सन उसके शेरिफ के जो गार्ड, जो दूसरे अदर ऑफिसर्स थे, उनकी तरफ मूव करता है और कहता है कि जैसा कि शेरिफ ने बताया कि मुझसे भी अच्छा कोई और आर्चर यहाँ पर है. वो कहता है, ये एरो को मैं जितना दूर फेंक सकता हूँ, तुम में से जो भी उसे पहले पकड़ लेगा वो ये उसकी हो जाएगी, यानी वो सिल्वर एरो उस पर्सन की हो जाएगी जो भी जाके पहले उसे पकड़ लेगा. एज सून एज ही हैड शॉट द एरो, ऑल द शेरिफ्स ग्रीडी गार्ड्स रैन ऑफ, Leaving him alone with the two archers. जैसे ही वो रेड जैकेट वाला पर्सन एरो को थ्रो करता है, तो जितने भी शेरिफ के गार्ड्स थे, ग्रीडी गार्ड्स, यानी सबको वो सिल्वर एरो चाहिए थी, तो जितने भी ग्रीडी गार्ड्स थे वो उसे पकड़ने के लिए भाग गए, और वहाँ पर शेरिफ को अकेला छोड़ दिया. किसके साथ? वही टू पर्सन्स के साथ, टू आर्चर्स जो लास्ट में लेफ्ट रह गए थे उन्हीं के साथ. The sheriff was turning to leave when the man in the blue jacket stepped forward and tied his hands. जैसे ही शेरिफ वहाँ से जाने के लिए निकलने लगा, तो जो मैन ब्लू जैकेट में था वो आगे बढ़ा और उसके हाथों को बांध दिया. At the same time, the man who had worn the arrow threw off his red jacket and revealed his green outfit. जैसे ही शेरिफ के हैंड्स को टाई किया, उसी टाइम वो मैन जिसने रेड जैकेट वेयर किया हुआ था, उसने उस रेड जैकेट को हटा के क्या अपना आउटफिट दिखाया? ग्रीन जैकेट का आउटफिट दिखाया. मींस वो पर्सन कौन था? खुद रॉबिन हुड था. रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन टुक द शेरिफ एज देयर प्रिजनर एंड वेंट अवे टू शेरवुड फॉरेस्ट. रॉबिन हुड और उसके साथ का जो पर्सन जो ब्लू जैकेट में था, वो शेरिफ को बंदी बनाकर कहाँ ले गए? अपने फॉरेस्ट. यू आर वर्थ मैनी सिल्वर एरोज, शेरिफ
I will get my reward from the king when he returns, said Robin Hood. Robin Hood ने शेरिफ से कहा कि तुम्हें पकड़ने का रिवॉर्ड जो मुझे किंग के वापस आने के बाद मिलेगा वो उस सिल्वर एरो या ऐसी कई सिल्वर एरो से ज़्यादा बेहतर है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू enjoyed द चैप्टर. नाउ रीड द चैप्टर ट्वाइस. थैंक यू.